नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। युवा संघक रूपंदेही अध्यक्ष तिवारी के हत्यारा के पकड़ सरकार संग मांग, जल्दी कार्यवाही दायरा में आनवाक गृह मंत्री के प्रतिबद्धता। डेढ़ वर्ष बीतलो पर सप्तरी विषहरिया के युवा रमेश यादव नहीं भेटल, खोज देव परिवारजनक अपील। जनकपुर में एम्बुलेंसक मनोमानी बढ़ल, टोकल दर से अधिक भाड़ा वसूलल जा रहल उपरा। अमेरिकी राजदूत आ एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेंट, अमेरिका नेपालक संविधान संशोधन प्रस्तावक पक्ष। आ टर्की में रहल रूसी राजदूतक गोली मार हत्या, प्रहरी अधिकारी से गोली पड़ा। आब समाचार विस्तार में। उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री विमलेन्द्र निधि युवा संघ नेपालक रूपंदेही जिला अध्यक्ष दुर्गा तिवारी के हत्यारा के जल्दी कार्रवाई के दायरा में आनकर कड़ा कार्रवाई करवाक प्रतिबद्धता जनौलन। उप प्रधानमंत्री निधि हत्यारा के कार्रवाई के दायरा में आन घटना लगले अनुसंधान प्रक्रिया आगा बढ़ाल गेल, कहते जल्दी दोषी पता लगवाक आ कार्रवाई प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक स्पष्टीकरण दिलन। घटना लगले हत्यारा के कार्रवाई कर सरकार लायक नहीं पड़ल, कहत ज्ञापन पत्र बुझाव सिंह दरबार पहुँचल युवा संघ नेपालक नेता सब सोझा गृहमंत्री निधि। घटना लगले प्रहरी परिचालन का दोषी पता लगाव सरकार लायक पड़ल स्पष्ट कलन। तिवारी के सोम दिन बेरिया में रूपंदेही के देवद आठ स्थित ढेकावर केलिया में मोटरसाइकिल में आयल दू गोटे अज्ञात व्यक्ति गोली मार हत्या कने। उप प्रधानमंत्री निधि नेपाल प्रहरी दोषी के जल्दी पकड़बाक विश्वास समेत व्यक्त कलन। मलाई पनि विश्वास छ उहाँहरू जुन क्षमताको साथ तदारुकका साथ गरिरहनु भएको छ त्यो अपराधी पत्ता लाग्छ। आज हिसाबले बताए जस्तै गत वर्ष फागुन छ गते उहाँमाथि भएको आक्रमणको बेलामा पनि मान्छे थुनिएको छ, अहिले पनि त्यो फेला परेको छ। आठ नौजनाको त्यो मान्छे त्यो बेलामा पनि थुनिएकै हो, त्यस कारण अहिले पनि त्यो पत्ता लाग्छ। अब कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने हामीले अनुसन्धानको क्रममा राख्दा केही कन्फिडेन्सियलिटी राख्नु पर्नु छ, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको भोलिका नेता हुनुहुन्छ, जिम्मेवार हुनुहुन्छ, होइन? त्यो प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ र मलाई पुरा विश्वास छ उहाँहरूलाई हामीले पुरा निर्देशन दिएको छौँ। जसरी भए पनि जहाँ भए पनि जे हुन्छ त्यसले अनुसन्धान गरेर अपराधीसम्म पुग्ने र अपराधीलाई पक्रिने र कडा कारवाही गर्नेतिर हामी लाग्छौँ। अहिबीच नेपाल प्रहरी सेहो दुर्गा तिवारी के हत्यारा के पहचान क कार्यवाही कर आवश्यक अनुसंधान प्रक्रिया घटना लगले शुरू कल गया जनौलक। प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कांत अर्याल घटना लगले जांच प्रक्रिया के शुरू कल गया जानकारी दिलन। ओ नेपाल प्रहरी अपन अनुसंधान के ज्ञान आ अनुभव प्रयोग क हत्यारा के जल्दी से जल्दी पहचान क कार्रवाई के दायरा में आनबाक प्रतिबद्धता जनौलन। महानिरीक्षक अर्याल घटना लगले प्रक्रिया आगा बढ़ाल गया से स्पष्ट कलन। जुन प्रविधि छ, जुन हामीसँग अनुभव छ, ज्ञान छ, त्यसको उच्चतम हामी प्रयोग गर्नेछौँ र चाँडैभन्दा चाँडै हामी यो घटनाको वास्तविकता, किन घटना घट्यो, कसले गरायो, यसको कारण के थिए, यसका पछाडिका कुपापात्रहरू को को हुन्, त्यो सबै हामी यहाँहरू समक्ष ल्याउनेछौँ। र मलाई विश्वास छ हामीले बिहानै यहाँबाट विशिष्टीकृत अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति भैरवतर्फ पठाइ पनि सकेका छौँ र मलाई लाग्छ हामी चाँडै यहाँहरूलाई यो घटनाको यथार्थ जानकारी गराउने अवस्थामा पुग्नेछौँ र अहिले नै हामी यो घटना कसले किन गरायो भनेर यकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। अनुसन्धान चाहिँ हाम्रो तीव्र रूपमा हामीले अगाडि बढाइसकेको छौँ। नेपाल प्रहरी घटनाबारे अनुसन्धान गर अपन अनुसन्धानक विशेष टोलीके सेहो मङ्गल दिन काठमाडौँसँग घटनास्थल दिस पठाइब चुकल अछि। युवा संघ नेपाल दोषी के कार्रवाई कर सरकार से ध्यान नहीं देल गेल आरोप लगबत आयल। सप्तरी के विषहरिया गाविस वड़ा नंबर तीन के युवा रमेश यादव बेपत्ता भेला एक वर्ष छ मास पहुँचल, मुदा अखनो नहीं भेटल। 20 वर्षक रमेश अखन धर नहीं भेटला से 49 वर्षक माय चंद्रावती आ 50 वर्षक बाबू गजेन्द्र भाव विवल बनल। हरेक दिन रमेशक वृद्ध माया बाबू सदर मुकाम आबिकऽ बेपत्ता बेटा के खो
खोजिक लेल प्रहरी अधिकारवादी आ संचारकर्मी के कहत चलल बीतल 2072 अखार 21 गते लू 22 प 2655 नंबर के मोटरसाइकिल चढ़ कर सदर मुकाम राजविरह दिस जा रहल रमेश अखन ते नहीं घूरल ओ बेपत्ता भेला दू मास बाद प्रहरी भारत संग सीमाना जुड़ल छिन्मस्ता मोहनपुर दशगता क्षेत्र से रमेश से प्रयोग कैल मोटरसाइकिल व्यवहारिस अवस्था में खोजने छल। एकर बाद प्रहरी से अखन धरि एहि विषय में कोनो सूचना प्राप्त हो नहीं सकल रमेशक बाबू गजेंद्र के कथन है। जनकपुर के किछ एम्बुलेंस तोकल भाड़ा दर से अधिक रकम ल रहल पाओल गेल अछि। एम्बुलेंस चालक सब एम्बुलेंस समिति से तोकल से बेसी रकम असूलित आयल बीमारक परिवार जन दावी कैलक अछि। नवीन यादवक रिपोर्ट। स्वास्थ्य अवस्था गंभीर भेल बीमार सबके इलाज स्थानीय स्तर में संभव नहीं भेला से नमहर अस्पताल में रेफर कैल जाइत अछि। एक दिस बीमार के अवस्था गंभीर, दोसर दिस एकदमे दूर रहल अस्पताल में इलाज के लेल ल जाए परबाक झंझट। ओहन बेर में बीमार के परिवारजन सब एम्बुलेंस के याद करे छथिन। बीमार के इलाज महत्वपूर्ण भेला से परिवारजन सब एम्बुलेंस के भाड़ा पर उतेक ध्यान नहीं देत छथि। एम्बुलेंस चालक ओतेक बेर में जतेक भाड़ा कहे छथिन ओतेक रुपया सहजे देवक लेल ओ सब तैयार भ जाए छथिन। मुदा अपने सब के याद रहे जे अपने सब गोटे ठका रहल छी। एहन समस्या पड़ल बेर में एम्बुलेंस चालक सब बीमार के परिवारजन सबसे मनमानी रकम असूलित आयल रहस्य खोजल। जनकपुर में प्रमुख जिला अधिकारी संयोजक रहल एम्बुलेंस समिति तोकने भाड़ा दर से 3 गुना से बेसी रकम एम्बुलेंस चालक सब असूल रहल पाओल गेल। पक्की रूट में प्रति किलोमीटर 25 रुपया आ कच्ची रूट में प्रति किलोमीटर 30 रुपया के दर से भाड़ा लेब पाब के व्यवस्था कैल गेल। तहिना जनकपुर उपमहानगर पालिका भीतर कतौ जाओ आ बीमार के अस्पताल पहुँचाओ तो 500 रुपया मात्र लेब पाब के व्यवस्था है। मुदा समिति के निर्णय के व्यवस्था करत कि एम्बुलेंस चालक सब अपना खुशी मनमानी रकम असूलित आयल। जनकपुर उपमहानगर पालिका भीतर 500 मात्र लेब परबाक भेल रहितो सेवाग्राही सब से 1500 रुपया धरि वो सब असूल रहल छथि। कते रुपया लेलक हमरा सबके अपना मतलब कि भाईचारा में जैसे कि 1500 रुपया जनक रेट ज्यादा है। जनकपुर से कत 14 वार्ड 2000 रुपया। प्रशासन एम्बुलेंस ल रहल भाड़ा दर में अनुगमन समेत नहीं कर रहल है। अनुगमन करय वाला निकाय में जिज्ञासा अयला के बाद मात्रे ओहि में जिज्ञासु रहब एहन अवस्था से एम्बुलेंस चालक सब निर्धक भ के मनमानी भाड़ा असूल रहल अछि। नहीं कम से कम आइए से मान के चलू हम धनसा धाम जबी त कते लेबे। धनसा धाम के 1200 रुपया है किलोमीटर हिसाब से। जलेसर जबी त कते लेबे ओकरो 1200 है। तेकर बाद अपने के आइए से मान के चलू हम महेंद्रनगर जाय त ओहो 1200 रुपया है। तेकर बाद अपने के लगमा जाय त लगभग के किलोमीटर कते पड़े वही हिसाब से देखो कते लेबे लगमा जा दे 1000 रुपया। आइए से महेंद्रनगर अपने के गाड़ी लाकर जब कते भाड़ा ले छी 1000। तकर बाद अपने के गाड़ी के आइए से वीरेंद्र बाजार जब ये अपने के 1500 से लोग 19 वो तू तो धमसा धाम जाबे धमसा धाम तो 1500। तकर बाद अपने के प्रति किलोमीटर केना ले छी अपने से किलोमीटर के हिसाब पर हम देबो के लेल पार्टी से तैयारी नहीं छै जे लोकल के हिसाब से 500 रुपया जनकपुर भर के है ओय के हिसाब से दूरी 2-4 किलोमीटर के हिसाब पर है तो 2-4 रुपया के फेट पर दूसरा सहयोग दे रायतो में भेल तो ओतबे हम लेली पैसे ज्यादा नहीं लेली। आइए से 9 किलोमीटर के दूरी में जा भाई टका दे ले 700-800। ये तो एक प्रतिनिधि पात्र मात्र है। किछ स्वास्थ्य संस्था तथा एम्बुलेंस सेवा प्रदायक संस्था सब समेत एम्बुलेंस संचालन में मनपरी शुल्क असूल रहा है। वना तक किछ चालक सब समिति तोकने अनुसार के भाड़ा मात्र ल रहल
दावी समेत करे छथि। भाड़ादार अपने के एम्बुलेंस के केन छै जेन ठाउ तेन भाड़ा कोन आधार पर लै छी? किलोमीटर के आधार पर कि पेशेंट के ध्यान देख लीते हन? नै, किलोमीटर के आधार पर रेट कर से भाड़ा तो नै ओय भाड़ा बता केना है प्रति किलोमीटर रेट क्रस केना तो नै 35 रुपया तब मान के चलो आइए से ढल के बार जाबी तक कते लेबे 1500 रुपया आइए से लादो बेला जाए तो लादो बेला ही 500 रुपया अब 20 पीटी 20 पीटी 700 रुपया। एम्बुलेंस चालक बेसी रकम ल रहल बात स्वयं जिला एम्बुलेंस समितिक सदस्य तथा रेडक्रस धनसाक सभापति नरेश सिंह स्वीकार करे छथि। आइ कुछ दिन पहले छै तऽ अहूँ सबके मालूम है ई बात, हमरा साइड से मालूम भेल, एगो कपिलेश्वर से राति में पेशेंट लेल के जबकि ओकर रेड क्रॉस के रेट से नगरपालिका भीतर 500 रुपया है, यहाँ के 500 रुपया लेब के ओकरा पूरे नगरपालिका में कतौ से आओ, चाहे कपिलेश्वर से आओ, चाहे कुआरामपुर से आओ, चाहे मुजलिया से आओ, चाहे कतौ से आओ, अहाँ के फिक्स है 500 रुपया ओकरा लेब के। लेकिन वही जो हम सब कथी सुनलिए 2000 रुपया ले लै छै, यहाँ के 2000 रुपया ले, लेकिन आधिकारिक रूप से तो हम सब नहीं कह सकते 2000 रुपया ले लेके वो आदमी चल अल कतर रेड क्रॉस में कह लगे हम पूछल कि अहाँ के लेलक 2000 रुपया तो रेड आदि एम्बुलेंस वाला लेलक के एम्बुलेंस वाला तो वो नाम नहीं जानी से कहे आ गुनासो करे वाला कोनो लोग एहनो अबे वास्तव में अन्याय तो अन्याय है। लेकिन वो कह दे वो बिल देख दे हमरा कि हमरा बिल दिले है 2000 के तो उस संस्था के तो हम सब कार्रवाई कर दी ना बिले नहीं दे कतौ जगह एत धरि जे ऑक्सीजन लगात के सुविधा के निःशुल्क होब पर बाक में समेत चालक सब वहू में मनमानी रकम थप क बीमार के परिवार जन सब से असूल कर रहा है। ने भत्ता लेब के आइ जे देखलिए हमरा सबके रिपोर्ट यो आयल छै कि ऑक्सीजनों के पैसा अलग से लै छै, ऑक्सीजन फ्री में लिखल छै अहाँ के ऑक्सीजन फ्री में देब के, फर्स्ट एड फ्री में देब के, अहाँ के उ सब फ्री में देब के। लेकिन ये हमरा सबके गुनासो अबित रहे कि सर हमरा सबके ऑक्सीजनों को एते घंटा लगलो, 4 घंटा लगले, 5 घंटा, 1 घंटा के हिसाब से भी ले लै कतौ सुनलिए हम सब। किलोमीटर आधार में भाड़ा लेब पर बाक में एम्बुलेंस चालक सब ठाव के आधार में भाड़ा असूलित आयल आ ई बात पूर्णतया गलत रहल बतबे छथि जनकपुर अंचल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गौरांग मिश्रा। संबंध में आई से 6-7 साल पहले वो मीटिंग भेल रहे, वही मीटिंग में हमू छी तहिया ओहिमे भेल कि रेड क्रॉस के एम्बुलेंस के एगो पैरामीटर बनाएल जाए, किलोमीटर के हिसाब से पैरामीटर बनाएल जाए आ वही सफर बाध्यता हो जाए। तो ये चीज वही मीटिंग पासो भेल रहे कि जे रेड क्रॉस के किलोमीटर के हिसाब से रहती बाध्यता भ जेतै, ओहि बीच में अंदाज होते कि रोड उड बड़ टूटल रहे तो बाध्यता जे रहे से टूट गेल रहे। आब अभी कभी कभी यो लगे जब नीचा के रोड में है 250-300 किलोमीटर काठमांडू के जितने पैसा ले छलिए उतने छोटको रूट में है नीचे, जबकि रूट तो कम भ गए, किलोमीटर तो कम भ गए, तो डेस्टिनेशन के तो पैसा नहीं ना होते, पैसा तो होते किलोमीटर के। दोसर दिस एम्बुलेंस के व्यवस्थापन पक्ष समेत एकदमे कमजोर देखल जा रहा है। धनसा में प्रत्येक वर्ष सरकार आ भारतीय दूतावास से कतेक एम्बुलेंस आयल अय बात में एम्बुलेंस के लिए सिफारिश करे वाला निकाय जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय समेत अनभिज्ञ है। धनुषा जिला में जमा एम्बुलेंस कतेक संचार में रहल छै ए विषय में यकीन तथ्यांक हमरो सब के पास में नहीं है, हैना ए त की होय छै हमरा सब के एकटा प्रावधान छै जे प्रत्येक वर्ष जे धनुषा जिला से जे इशू भेलै है से प्रत्येक वर्ष एम्बुलेंस संचालक समिति सबके एहिठाम अपन प्रतिवेदन जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय में दै के लेल, लेकिन उ सब द नहीं रहल छै। तो जब द नहीं रहल छै तो हमरा सबके यकीन तथ्यांक कहने बड़ा मुश्किल छै एहिमे, कै लए कऽ एहिमे अखन के अवस्था में हम नहीं कह सकै छी जे कतेक छै, ओना हम सब प्रयास कऽ रहल छी जे ट्रैफिको कार्यालय से जिला ट्रैफिक कार्यालय से आ नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी से बैठ कर एक हमरा सबके यकीन एक तथ्यांक एकटा निकाली कहिके ई हमरा सबके प्रयास में छै। अत धरि कि एम्बुलेंस लेने संस्था सब प्रत्येक वर्ष जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय में वार्षिक हिसाब के विवरण बुझाब पड़ित है, मुदा एम्बुलेंस चला रहल संस्था सब ओहन कोनो विवरण स्वास्थ्य कार्यालय के अखन धरि नहीं बुझौने अछि। सबके साले साल जे एकटा अपन डॉक्यूमेंट पेश करे के चाही, हमरा सबके ऑडिट रिपोर्ट पेश करे के सारा चीज ई सब नहीं दऽ रहल छै, तऽ एहि संदर्भ में यदि कहबै तऽ अवैध भेलै,
है एहि लागि ओकरा सबके दैके नैतिक दायित्व तो छै। हमरा सबके लिखियो देने छै चिट्ठी दैत काल जे तपाईले प्रत्येक वर्ष यसको फाटबारी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ। अहिलेके जे जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय एकर सचिवालय छै तऽ सचिवालय जो दैके जरूरी छै ओकरा सबके लेकिन दै नै रहल छै। तै लए कऽ अहूँके मीडिया मार्फत हम आग्रह करबै सम्पूर्ण एम्बुलेंस संचालक महानुभाव लोकनि सबसे जे हमरा सबके जल्द से जल्द अपन फाटबारी जे है प्रत्येक साल के जेना अही साल के या औरू साल सबके जे है हमरा सबके दैत जे हमरा सबके अही जिला में कतेक संचालन में छै सेहो मालूम हुए। तकर बाद एकर ड्राइवर के छियै एकर ऑनर के छियै ओकर की कहै छै जे फोन नंबर होय के चाही जे तत्काल कोनो तेहन अवस्था यदि हुए तो ओहि अवस्था में हमरा सबके तुरंत ओहि आदमी के फलना ठाम में विक्टिमाइज छै या कैजुअलिटी छै ओहिठाम जाके ओकरा उद्धार कार्य करियौन कहि के हमरा सबके आग्रह कऽ सकै छी। तै लए कऽ अपने के मीडिया मार्फत हम सबके आग्रह करै छी जतेक जिला में संचालन में छी ओ सब जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय में सबटा अपन अपन डॉक्यूमेंट सब जे छै से बीमार पड़ला पर मात्र प्रयोग होबय वाला एम्बुलेंस एक ही व्यक्ति से बेर बेर प्रयोग कर नहीं पाब के साधन भेला से एम्बुलेंस के भाड़ा दर बीमार आ हुनक परिवार सब के प्राय जानकारी नहीं रहते हैं। बीमार आ हुनक परिवारजन सब एम्बुलेंस के भाड़ा दर शोध पूछ नहीं कर के साथे संचालक सब भाड़ा सूची नियमित रूप में नहीं रख के परिपाटी से समेत बीमार आ हुनक परिवारजन सब दिन देखारे ठका रहल है। किछ व्यक्ति सब से होबय वाला एहन ठगी के कारण निक काम करय वाला सब समेत बदनाम भ रहल है। तैं सरकार वाला निकाय स्वास्थ्य जेहन संवेदनशील क्षेत्र में भ रहल एहन मानमानी रोक पहल कदमी लेनाय आवश्यक है। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में उमेश श्रेष्ठ आ हरिशंकर शर्मा के साथ नवीन यादव की रिपोर्ट। मधेश विकास में पूर्वाधार विषय में युवा सब अंतरक्रिया कार्यक्रम कैलक है। मंगल दिन बीरगंज स्थित ठाकुर राम बहुमुखी कैंपस बीरगंज में भेल अंतरक्रिया में भारत दिल्ली में अध्ययनरत यूनाइटेड मधेशी ऑफ नेपालक संस्थापक अध्यक्ष संजय यादव आ सूर्य किरण यादव के विशेष उपस्थिति में मधेश में संचालन में रहल विकास आ एकर प्रभावक विषय में चर्चा भेल छल। कार्यक्रम में अध्यक्ष संजय यादव आब विद्यार्थी युवा से जिम्मेवारी बोखल देवा कहित पूर्व पश्चिम रेल मार्ग के नक्शा प्रति आपत्ति जनौले छलथि। ओ मधेशी सघन बसवास रहल दक्षिणी क्षेत्र से रेल आ राजमार्ग बनाल जेबाक जिक्र कलन। कार्यक्रम में दिल्ली में अध्ययनरत विद्यार्थी सूर्य किरण यादव कोशिश फाउंडेशन के मदन गुप्ता सामाजिक अभियंता प्रकाश प्रसाद थारू संघीय समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपाल केन्द्रीय सचिव आमोद यादव सहितक सहभागिता छल। हुलाकी राजमार्ग विस्तारक क्रम में जनकपुरक पत्रकार श्रीनारायण शाह के परिवार बेघर हेबाक अवस्था अयलाक बाद पत्रकार सहितक टोली जिला प्रशासन कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। कदम चौक कपिलेश्वर सड़क खंड में विस्तारक क्रम में पत्रकार शाह करीब तीन धूर में रहल दू तला के घर समेत हटाल जेबाक अवस्था अयला के बाद पत्रकार सहितक टोली ज्ञापन पत्र बुझलक अछि। पत्रकार शाह विकासक नामे सब संपत्ति आ रहय वाला ठाव से वंचित हेबाक पीड़ित के लेल राज्य से ध्यान देल जेबाक मांग कलन। ओ अपन संपत्ति कहल इहे घर भेला से गुठी के जमीन में अपन परिवार के पुनर्स्थापना कह देव सेहो अपील कने छलथि। अवस्थित मिथिला नरेश राजर्षि जनक का आराध्य लेल बाबा कपिलेश्वर नाथ को पवित्र भूमि तत्कालीन गांव पंचायत कपिलेश्वर वडा नंबर 6 हाल जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नंबर 16 मा विक्रम सम्वत 2025 साल मा मंगल शाह के नाती र माता रेखी देवी शाह एवं पिता तिलक शाह का माइलू। जनकपुरक कदम चौक सँ कमला नदी धरि 25 किलोमीटर कमला मार्ग के हुलाकी राजमार्ग के रूप में 30 मीटर चौड़ा करवाक लेल घर खाली कर सूचना जारी भेला के बाद पत्रकार शाह सहित स्थानीयवासी समस्या में पड़ल अछि। अमेरिका संविधान संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में वकालत कलक अछि। अमेरिकी राजदूत अलाइना टेफलिज
प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संग भेट कर संविधान संशोधन प्रस्तावक विरोध कैल जबा कारण बारे चाहे व्यक्त कलन सिंहदरबार स्थित एमाले संसदीय दल कार्यालय में भेल भेट में राजदूत आलाइना संविधान संशोधन प्रस्तावक विरोध में संसद अवरुद्ध भ रहा देश अध्यक्ष ओली के ध्यानाकर्षण समेत करौने छलथि। संविधान संशोधन प्रस्तावक विरोध में एमाले निरंतर संसद अवरुद्ध बना रहा समय में अमेरिकी राजदूत आलाइना विपक्ष दल के नेता ओली संग भेंट कलन। भेंट में अध्यक्ष ओली संविधान संशोधन प्रस्ताव जनता आ राष्ट्रक हित विपरीत अला से विरोध कर पड़ल बतौने छलथि। ओ अदालत में प्रवेश कराल जाए वाला विषय सरकार संसद में प्रवेश करौलक कहत अदालत के समेत मानहानि भेल राजदूत आनैला के ध्यानाकर्षण करौने छलथि। राजदूत संविधान संशोधन प्रस्तावक विरोध करब के कारण बारे चाँख व्यक्त कने छलथि। ओ कार्यक्रम में सुभाष चंद्र नेवांग नेपालक समस्या नेपाली सभा के भेला से समस्या समाधान कर अपना सब सक्षम रहल बात राजदूत आलाइना के कहल गेल बतौलन छलथि। संविधान संशोधन को कुरा के हो र यसलाई नेकपा एमालेले किन विरोध गरिराछ भन्ने बारे में राजदूत को जिज्ञासा थियो र त्यसमा अध्यक्षजीले यो संविधान को ठाडो प्रतिकूल रहेको र अदालतमा यो विषयले प्रवेश पाइसके पछाडि अदालत समेतको अपेलना गर्दै रातारात विधेयकलाई दर्ता गरिएको त्यसरी दर्ता गरिएको विधेयक देश र जनताको हित विपरीत रहेको यो विशेष कारणले गर्दा यो विषय संसदमा छलफलको लागि समेत पनि योग्य नभएको कुरा उहाँले राख्नुभयो। ओ संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहीं होवत संसद में जारी रहल अवरोध कायम राखबाक आड़ान लैत आयल संविधान कार्यान्वयनक लेल अपना सब प्रतिबद्ध रहल दोहरबैत अध्यक्ष ओली संविधान संशोधन के पक्ष में जा नहीं सकबाक प्रश्न करते राजदूत आलाइना के बेर बेर ध्यानाकर्षण करौने छलथि। नेपालक पिछला राजनीतिक परिस्थिति के लक यूरोप आ अमेरिकन राजदूत सब नेता सब संग भेंटवार्ता के तीव्रता दैत आयल। विपक्षी दलक नेता सब सरकार से आनल गेल संविधान संशोधन प्रस्ताव देशभक्त कोनो नेपाली के लेल स्वीकार्य नहीं हेबाक दावी कलक। संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लेब दबाव दैत आयल एमाले सहितक विपक्षी दलक नेता सब मंगलदित काठमांडू के नया वानेश्वर में विरोध सभा कक सरकार भारतक इशारा में चलल कहत आक्रोश सेहो व्यक्त कलक। सभा में संबोधन करते एमाले के उपाध्यक्ष भीम रावल सरकार से आनल गेल संविधान संशोधन के प्रस्ताव से राजनीतिक दल से बीच द्वंद्व सृजना भेल आरोप लगौलन। ओ आम जनता के इच्छा विपरीत सरकार से पांच नंबर प्रदेश टुकड़ा कल गेल आरोप लगौलन। बीतल में संवाद समिति में अपना सबसे राखल गेल नव मुद्दा के प्रस्ताव के रोक बैठक के अवरुद्ध कल गेल कहत उपाध्यक्ष रावल फिर प्रधानमंत्री से यह प्रस्ताव किया आनल गेल कहक स्पष्ट कर स्पष्ट जवाब नहीं दिल गेल जिक्र कलन। छिटो भन्दा छिटो निकास दिनको लागि त्यो प्रस्ताव अगाडि सार्दा उहाँले त्यो कुरा नमान्ने अहिले उहाँले कुन बुद्धि विवेक उद्बोधन भएर त्यही प्रस्ताव चाहियो भनेर उहाँ ढिपी गरिरहनु भएको छ यसको जवाब उहाँसँग छ कि छैन। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के नेता प्रेम सुवाल सरकार से संविधानक मर्म विपरीत आनल गेल संविधानक प्रस्ताव के और विशेष संग जोड़ कर पैकेज में सहमति करौल नहीं जा सकबाक बतौलन। ओ सरकार से आनल प्रस्ताव से तीनों तहक निर्वाचन भाड़वा खतरा रहल जिक्र कलन। नेता सुवाल राष्ट्रीयता आ सार्वभौम सत्ता कमजोर कर आनल गेल संविधान संशोधन प्रस्ताव मुलुक के हित विपरीत रहल तर्क कलन। भारतीय शासक वर्गको नेपालको सार्वभौमिकता हडप्ने योजनालाई मदत पुर्याउन ल्याइएको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेत्री दुर्गा पौडेल भारतक डिजाइनमा पाँच नम्बर प्रदेश टुक्रा करबाक लेल संविधान संशोधनको प्रस्ताव आयल आरोप लगौलन। ओ नेपालके भारतसँग जोडबाक लेल विगतमे ई एहने अनुरूप पाँच नम्बरके प्रदेश के पहाड़ी जिला के तराई से अलग कर सरकार से संशोधन के प्रस्ताव आनल गेल जिक्र कलन। इंडियन क्राइम डिजाइन मेरे को पाला बड़ा पल्ला भाई पटेल ने
निजामको हैदराबादलाई मिले जस्तो नेपाललाई मिल्नु पर्छ भनेर आफ्नो भोइस फेरि पहिले व्यक्त गरिसकेका हुन्। उनी मरे तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटो मरिन, लगातार अगाडि बढ्यो। त्यही कार्यान्वयन गर्ने दौरानमा आएको संहिता हो, त्यही कार्यान्वयन गर्ने दौरानमा आएको समग्र मधेस एक प्रदेशको नारा हो। आज आएर दुई नम्बर क्षेत्रलाई आधार बनाएर पाँच नम्बर क्षेत्रमा धावा बोलिँदैछ। सरकार संविधान के प्रावधान आ सर्वोच्च अदालत के आदेश विपरीत प्रदेशक सीमांकन हेरफेर कर संविधान संशोधन के प्रस्ताव आनल कहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहित विपक्षी सब सदन आ सड़क संघर्ष के तीव्र कयने अछि। सरकार लगानी के लिए आवश्यक वातावरण बनाव नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग सब संग आग्रह कलक। उद्योग मंत्री नवीन राज जोशी नेपाल में वैदेशिक लगानी आन आवश्यक राजनीतिक तथा नीतिगत व्यवस्था भेल कहित वातावरण निर्माण में भूमिका निर्वाह कर देव विभिन्न देशक राजदूत एवं कूटनीतिक नियोग के प्रमुख सबके आग्रह कलन। अगला फागुन 19 आ 20 गते काठमांडू में आयोजना हो लागल नेपाल लगानी सम्मेलन के विषय में जानकारी देव मंगल दिन आयोजित कार्यक्रम में संबोधन करेत उद्योग मंत्री जोशी लगानी के लिए नेपालक संभावना के विषय में अध्ययन कर लगानी के दायरा बढ़ावा से ध्यानाकर्षण करौलन। नया संविधान जारी भेला संगे मुलुक आर्थिक समृद्धि के दिशा में आगा बढ़ल कहित ओ उद्योग मंत्रालय वैदेशिक लगानी के सुरक्षा के प्रत्याभूति दियाव आवश्यक गृह कार्य में जुट चुकल सेहो कहलन। सरकार वैदेशिक लगानी आन कहित आवश्यक ऐन संशोधन करबाक तैयारी सेहो कयलक। परामर्श में दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, म्यांमार, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, फिनलैंड, चेक रिपब्लिकन सहितक राजदूत सब सहभागिता जनौने छल। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन संहिता में निजामती कर्मचारी सभक व्यवस्थापन कर आवश्यक मापदंड बनाव सरकार संग मांग कलक। संगठन के नवनिर्वाचित केंद्रीय कार्य समिति के पहल बैठक संहिता में कर्मचारी सभक व्यवस्थापन करत काल स्पष्ट मापदंड बनाव सरकार संग मांग करबाक सहितक निर्णय कलक। संगठन मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन का लोक सेवा आयोग मार्फत राज्य के हरेक तह में स्थायी कर्मचारी पद पूर्ति कैल जेबाक आवश्यकता सेहो व्यक्त कलन। कर्मचारी सबके व्यवस्थापन करत काल छनौट के अवसर देव सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण कैल गेल अछि। छोटको अवसरमै प्राथमिकता दिएर गरिनुपर्छ। योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवाको अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ। हरेक तहमा लोक सेवा आयोग मार्फत स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गरिनुपर्छ। हाल खालमा आएको सेवा सुविधा नघटाई सेवाको सुरक्षा हुनुपर्दछ। एमाले निकट संगठन के केही दिन पहिले सम्पन्न 10औं राष्ट्रीय सम्मेलन केदार प्रसाद देवकोटा के अध्यक्षता में 115 सदस्यीय कार्य समिति चयन कयने अछि। कार्य समिति के संघीय नमूना अनुसार समावेशी बनाओल जेबाक संगठन द्वारा जारी कयल विज्ञप्ति में लिखल अछि। प्रेस काउंसिल नेपाल प्रेस काउंसिल शानिमा बैंक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार मरणोपरांत पत्रकार द्वय संजय नेपाने आ कर्ण बोहरा के प्रदान कलक। राष्ट्रपति विद्या भंडारी से राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में एक कार्यक्रम के बीच 2,50,000 जनहे राशि के ई पुरस्कार नेपाने की पत्नी राधिका नेपाने आ बोहरा के पत्नी ममता बोहरा के हस्तांतरण कलन। अवसर पर बाजत राष्ट्रपति भंडारी पत्रकार सब से जनता के पक्ष में कलम चलबत काल स्वतंत्र आ निष्पक्ष हेबाक चाही से बतौलन। ओ व्यावसायिक मर्यादा के सदैत ख्याल कयल जेबाक सेहो बतौलन। प्रेस स्वतंत्रता को उपभोग गरिरहँदा कारबाट ठूलो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। आफ्नो निर्वाच स्वतंत्रता उपभोग गर्दा नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता र गोपनीयताको अतिक्रमण नहोस् भन्ने कुरामा सदैव सजग रहनै पर्छ। राष्ट्र र समाजप्रति आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा एउटा नागरिकको तुलनामा स्वतन्त्र, सजग र व्यवसायिक सञ्चारकर्मीले निभाउनु पर्ने भूमिका अझ उत्तरदायीपूर्ण बन्नुपर्दछ भन्ने कुरामा सञ्चारकर्मी मित्रहरूको गम्भीर रूपमा ध्यान पुग्नुपर्दछ।
स्वर्गीय पत्रकार न्यौपाने कारवार दैनिक सम्पादकक जिम्मेवारी सम्हार दिआएल छलथि। तहिना पत्रकार बोहरा सुदूरपश्चिम के विभिन्न जिला में अपन कर्म स्थान बनौने छलथि। प्रेस काउंसिल नेपाल मरणोपरांत पत्रकार सबके पुरस्कार वितरण केल ई पहिल बेर अछि। राष्ट्र आ जनता के लेल काज कर रहल के बाद काज कर रहल सबके मृत्यु के बाद सेहो अमर आ स्मरणीय रहबाक चाही से प्रेस काउंसिल द्वारा जारी विज्ञप्ति में लिखल अछि। जनकपुर में रहल सिद्धार्थ शिशु सदन 35वां वार्षिक उत्सव के संदर्भ में विभिन्न कार्यक्रम कैलक अछि। सदन रक्तदान जीवनदान कहकर रक्तदान कार्यक्रम कैलक अछि। कार्यक्रम में 31 गोटे रक्तदान कयने छल। तहिना सदन कबीरवाल आश्रम आ जानकी वृद्धा आश्रम के खाद्य पदार्थ लत्ता कपड़ा सहित सामान वितरण कैलक अछि। सिद्धार्थ को 35वां वार्षिक उत्सव हो रहा। सिद्धार्थ यो सफलतापूर्वक 35वां वर्ष पूरा कर 36वां वर्ष में प्रवेश करेगा छन् र इस उपलक्ष्य में सिद्धार्थ ले निरंतर रूप में अनाथ आश्रम र वृद्धा आश्रम लाई सहयोग करने क्रम में हमी आज यहाँ उपस्थित भएका छौं र आज सिद्धार्थ मैनेजमेंट ले यो पनि डिक्लेयर गर्दैछ कि यो आश्रम को एउटा गर्ल्स लाई निशुल्क जब समय सिद्धार्थ में पढ़ना चाहन्छ नर्सरी टू क्लास 10 वा 11 12 भए पनि वहाँ पढ़ना चाह्यो भने निशुल्क छात्रवृत्ति में तो बच्चा। 3 दिन धरि वार्षिक उत्सव मनेबाक जनौने सदन बुध दिन विज्ञान प्रदर्शनी आ बृहस्पति दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजना करत। गृह श्रमिक सब पहचान सहित जीविकोपार्जन के व्यवस्था कर सरकार संग मांग कैलक अछि। घर भीतर रह कर कैल गेल अपन सबक श्रम के मूल्यांकन सरकार आ संबंधित निकाय से नहीं होत आयल कहत ओ सब और श्रम के देल गेल श्रह गृह श्रमिक के सेहो पहचान कायम कर मांग कैलक अछि। राजधानी में भेल गृह श्रमिक सबक सम्मेलन में सहभागी सब समान कामक लेल समाज मजदूरी व्यावसायिक सुरक्षा आ स्वास्थ्य उपचार के व्यवस्था सहित सरकारक ध्यान आकर्षण करलक अछि। घर भीतर रह कर काम कर जीवन गुजार के निहार सबक संख्या बहुत रहल पर वह अनुसार सरकार से पहचान देव नहीं सकल ओ सब उपरा कने छल। ओ सब भूकंप बाद मानवीय सुरक्षा आ सामानक सुरक्षा तथा काम कर समस्या भेल कहित सुरक्षित कामक व्यवस्था कर सेहो मांग कैलक अछि। देश भरि करीब 20 लाख गृह श्रमिक रहल अनुमान कयल गेल अछि। समाज संरक्षण आ समृद्धि कहल नारा के साथ अगला पूस 11-15 गते धरि चितवन के सोराहा में हाथी महोत्सव होयत। आंतरिक आ बाहर पर्यटन आ प्रवर्धन करबाक उद्देश्य के संग महोत्सव आयोजन कर लागल। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का जानकारी देल गेल अछि। लोप होत गेल हाथी के संरक्षण आ महत्व बारे जानकारी देव तथा वन्य जंतु संरक्षण में जागरण आना महोत्सव के आयोजन होब लागल विज्ञप्ति में लिखल अछि। महोत्सव में आगंतुक सब के मनोरंजन आ हाथी के विविध पक्ष के विषय में जानकारी देव पहिने जका हाथी दौड़ प्रतियोगिता सेहो समावेश कयल गेल अछि। हाथी के पिकनिक हाथी पोलो सहित विभिन्न प्रतियोगिता के कार्यक्रम सेहो संचालन कयल जायत। तहिना मेला के ध्यानाकर्षण के रूप में हाथी के बच्चा सब बीच फुटबॉल प्रतियोगिता संचालन करबाक आयोजक जनौलक अछि। नेपाल पर्यटन बोर्ड के प्रवर्धन में होबय लागल हाथी महोत्सव में चितवनक विभिन्न संघ संस्था सहभागी होयत। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। टर्की में रहल रूसक राजदूत के गोली मार हत्या भेल अछि। टर्की के लेल रूसी राजदूत एंड्रे कार्लोफ के टर्की के एक प्रहरी अधिकारी गोली मार हत्या कैलक अछि। राजधानी अंकारा में रहल आर्ट गैलरी में भेल प्रदर्शनी में भाषण के लेल मंच में जाय लागल समय में राजदूत कार्लोफ ऊपर 22 वर्षक प्रहरी अधिकारी मेवलुत मेर्त एडिनटास गोली प्रहार कयने छल। एडिनटास अंकारा दंगा प्रहरी में कार्यरत अछि।
एनिटास जवाफी कार्रवाई में मारल गेल टर्की सरकार जनौलक अछि। सीरिया में भरल संघर्ष में रूस सीरियाली राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन कयल विरोध में टर्की में प्रदर्शन होते आयल अछि। सीरिया युद्ध में रूसी समर्थक के विपक्ष में रहल ई प्रहरी अधिकारी रादूत कार्लोव के हत्या कयल अनुमान कयल गेल अछि। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। युवा संघक रूपंदेही अध्यक्ष तिवारी के हत्यारा के पकड़ सरकार संग मांग, जल्दी कार्रवाई के दायरा में आनबा गृह मंत्री प्रतिबद्ध। डेढ़ वर्ष बीतलो पर सप्तरी विषहरिया के युवा रमेश यादव नहीं भेटल, खोज देव परिवार जनक। जनकपुर में एम्बुलेंसक मनोमानी बढ़ल, टोकल दर से अधिक भाड़ा वसूलल जा रहल उपराह। अमेरिकी राजदूत आ एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेंट, अमेरिका नेपालक संविधान संशोधन प्रस्तावक पक्ष। आ टर्की में रहल रूसी राजदूतक गोली मार हत्या, प्रहरी अधिकारी से गोली प्रहार। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब, नमस्कार।